गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। आज मैं पेड़े बनाने जा रही हूँ। ये महाराष्ट्र के मंदिरों में जो पेड़े हैं ना, इसी कलर के मिलते हैं और ऐसे ही टेस्ट होता है। तो आज मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि ये पेड़े कैसे बनते हैं। पेड़ा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम कॉटेज चीज़, 200 ग्राम पीसा हुआ शुगर, 400 ग्राम मावा, 400 ग्राम मावा। तो मावा डबल द वेट ऑफ पनीर और शुगर है। पहले मैं पनीर को ग्रेट करूंगी ग्रेटर से। पनीर ग्रेट हो गया है तो मैं क्या करूंगी, ये कढ़ाई में इसमें देसी घी है, मैं 1 स्पून इसमें डालूंगी और इसे गैस पे चढ़ाऊंगी। मैंने गैस को ऑन किया, ग्रेटेड चीज मैं इसमें डाल दूंगी। उनको मैंने फुल रखा है। मैं इसमें 200 ग्राम शुगर डालती हूँ। और इसको अच्छे से इसमें हिलाते जाना है जब तक इसका कलर स्लाइटली ब्राउन हो जाए। अभी तो गैस की फ्लेम फुल पे है तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको सिम करूंगी जब तक ये पूरा पानी छोड़ता है। अब पानी छोड़ा है तो मैं इसको सिम करती हूँ और चलाती जाती हूँ जब तक पूरा ब्राउन कलर हो जाए। तो आपको हिलाते जाना है नहीं तो जल जाएगा। ये ब्राउन हो रहा है तो मैं गैस बंद करती हूँ और इसको हिलाते रहना क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। मैं इसको प्लेट में निकाल दूँ। इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ क्योंकि मुझे इसको ग्रेट करना है मिक्सर में। तो सेम बर्तन में मैं 400 ग्राम मावा डाल रही हूँ। थोड़ा अलग कीजिए इसको हाथ से। गैस को मैंने ऑन किया है।
गैस को मैंने फ्लेम को मैंने सिम पे रखा है। इन द मीन टाइम जब तक ये ठंडा होगा तो मैं इसको मिक्सर के जार में डालूंगी। ये वाला मिक्सर का जार है, इसमें मैं पीस लूंगी और पीसने के टाइम में ये केसर वाला दूध भी इसमें डालूंगी इंस्टेड ऑफ इलायची। इसको मिक्सर में पीस रही हूँ, मैं इसमें केसर का दूध डाल रही हूँ। इसका एक पेस्ट सा बनाना है। खोया मैं सिम पे कभी फुल पे पका रही हूँ जब तक इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो जाए। इसको मैं चला रही हूँ 10 मिनट से, तो ये थोड़ा ब्राउन हो रहा है। तो मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है मिक्सर में ये डाल दूंगा। मैं अच्छे से मिक्स करना है। ये अब तैयार है। तो जब आपको लगे कि यह आटे के जैसा और थोड़ा सा आप निकालिए, बहुत ही गर्म होगा। जैसे इसका लड्डू सा बन जाए तो आप, मैं गैस अब बंद करती हूँ। अब ये तैयार हो चुका है, इसका कलर भी अच्छा आया। इसको थोड़ा सा कि टॉलरेबल हो हाथ लगाने के लिए, तो तब उसके बाद में इसके पेड़े बनाती हूँ। तो मैं इसको इसको ठंडा नहीं करना, ठंडे में फिर बनेगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से, आपको गोल देना है ऐसा देना। कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।